नमस्कार, मैं संपदा झा फर्स्ट यूनिट में आपका स्वागत करती हूँ। आज अभी देश में जो राजनीति गरमाई हुई है, इस पर आज मैं फर्स्ट यूनिट के संपादक संजय सरम से आज चर्चा करूँगी कि आखिर क्या होगा 2019 का जो लोकसभा चुनाव है। संजय जी मेरे सामने हैं। संजय जी आपका स्वागत है हमारे फेसबुक लाइव में। जी, सर क्या लगता है क्या होगा प्रियंका गांधी का? कांग्रेस ने जो बहुत सालों से ये चर्चा थी कि प्रियंका गांधी आएंगी, लेकिन इसी साल क्यों चुनाव से कुछ ही दिन पहले जो उनकी नियुक्ति हुई, तो क्या लगता है क्या होगा? कांग्रेस के पास एक तुर्क का एकीका था जिसको मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब लगा कि अब उसके जो सारे अस्त्र हैं अब प्रभावहीन हैं, और अब ये अस्त्र शायद ब्रह्मास्त्र बन सकता है, इस उम्मीद से कांग्रेस ने अपना काम किया। और हर राजनीतिक पार्टी को अपना अधिकार है, जब चुनाव आते हैं तो अपने हिसाब से अपनी चाल चलने का, तो कांग्रेस ने भी अपनी चाल चली है, तो उसमें कोई भेजा बात नहीं है। लोकतंत्र है हमारा देश में, लोकतंत्र की अपनी बात है, अपनी पार्टियां अपने हिसाब से नेताओं को उतारती है। कांग्रेस के पास प्रियंका गांधी का एक ग्लैमरस चेहरा था और प्रियंका गांधी के अंदर एक मेच्योरिटी दिखती है, और उस ग्लैमरस चेहरे के अंदर लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी की छवि दिखती है। तो आपका क्या कहना कि राहुल गांधी के पास राजनीतिक समझ नहीं है, प्रियंका गांधी के पास उनसे बेहतर समझ है? नहीं, मैं ये मेरे कहने या नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पब्लिक सब देखती है। जब आप अपने किसी पोस्ट पर होते हैं, किसी दायित्व पर आप जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं, उस वक्त अगर आपके कुछ बयान ऐसे होते हैं, आपके कुछ अंदाज ऐसे होते हैं जो उस गरिमा में पोस्ट के या उस रुतबे के अनुसार नहीं होते, तो फिर आम पब्लिक के मन में एक बात जाती है कि कुछ अपरिपक्वता है, कि जो बात जहाँ कहनी चाहिए वह आप कहते नहीं हैं, जहाँ नहीं कहनी चाहिए वह आप कह देते हैं। तो ये किसी के कहने से, मतलब राहुल गांधी को मेरा सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, या मेरे कहने से राहुल गांधी परिपक्व या अपरिपक्व नहीं बनेंगे, पर इस देश की जनता चाहे कितनी भोली क्यों ना हो, लेकिन फिर भी समझती तो है। ये सपा बसपा भी जो है गठबंधन कहते हैं मोदी के डर से, तो इस पर आपको क्या लगता है, क्या सच में मोदी के डर से? बेशक बिल्कुल सही है। ये जो कुछ हो रहा है, सपा और बसपा की रीति नीति कहीं आपस में मिलती हुई नहीं है जी। और एक समय था जब ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, बिल्कुल कट्टर दुश्मन थे, और आज भी जो, और शायद आपको याद होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस गेस्ट हाउस कांड हुआ था, जब मायावती जी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लेकर के मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री पद से उतारने वाली थी, तो गेस्ट हाउस का जो कांड हुआ था उसको लोग नहीं भूले हैं, जो मीडिया के लोग हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, लेकिन चूंकि ये राजनीति है इसलिए उस अतीत को भी भुला देती है जो बहुत कड़वा होता है। अच्छा, तो भविष्य को देखती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी महागठबंधन वाले दिन सपा बसपा के, तो उस दिन ये अखिलेश से मीडिया ने सवाल पूछा था कि आप पद पे किसको, कुर्सी पर आप किसको बैठे देखना चाहते, तो उन्होंने कहा था आपको पता है कि मेरा क्या जवाब है, तो हो सकता है। तो क्या सच में मीडिया वालों को पता था? आप तो इतने दिनों का आपका तजुर्बा है, तो क्या जवाब था ये किसी को आज तक समझ में नहीं आया? नहीं, सही बात है। ऐसा है कि पॉलिटिक्स में कई बार जवाब न देने का अर्थ भी बहुत बड़ा जवाब हो जाता है। अब अखिलेश ये तो नहीं कह सकते कि वो बैठेंगे, क्योंकि मायावती भी साथ में बैठी है। वो ये भी नहीं कह सकते कि मायावती बैठेगी, क्योंकि इसका संदेश भी अलग चला जाता है। इसलिए दोनों सवालों से बचने का तरीका मीडिया के ऊपर आप छोड़ दो, क्यों मीडिया कयास लगाए। नहीं, मीडिया भी ये सवाल सबसे पूछ रही थी। मीडिया ने जब खबर लिखा था तो उसने भी यही कहा था कि आखिर अखिलेश कहना क्या चाहते। अखिलेश और मायावती दोनों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, दोनों के पास सिर्फ ये है अपना अस्तित्व बचाना, भारतीय जनता पार्टी को रोकना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी स्थिति बना रखी है, उनको मत विभाजन करके जो जातिगत जो समीकरण है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को हराना, क्योंकि सपा और बसपा का वोट बैंक अगर एक साथ जुट जाता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो जाती है। तो उस परेशानी में डालने के लिए दोनों की रीति नीति अलग होने के बावजूद, दोनों के विचार अलग होने के बावजूद, और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये मिलकर के आ भी जाते हैं तो फिर दोनों में
युद्ध नहीं होगा इस बात की क्या गारंटी है, क्योंकि असली कुर्सी पर पहुंचना सब चाहता है, हर एक व्यक्ति का अरमान है कि उस कुर्सी पर मैं पहुंचूं, और जब जीत कर आ जाएंगे, अभी तो लड़ाई ये है कि किसी तरह से मोदी को हटाओ, किसी तरह से भाजपा को हटाओ। साल में कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि सबके सब हर पार्टी के लोग मोदी से कुछ अच्छा बहुत अच्छे से डरे हुए हैं, क्योंकि सबने एक मतलब जो होता है ना तुरुक्का इक्का, सबने अभी उसका इस्तेमाल किया है, क्या ये कहना सही है कि सब डरे हुए हैं? नहीं नहीं, ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मोदी की जो शैली है जी, और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से वर्चस्व बढ़ा है, उससे इन लोगों को ये लग रहा है कि अगर हम 5 साल और नहीं आए तो फिर हो सकता है कि मोदी ने जो अभी जमीनी क्षेत्र में जो बुआई की है, जो कामकाज किए हैं, वो आने वाले 5 साल में जनता के सामने दिखने लग जाएंगे। GST का बहुत बड़ा बवेला मचा था, जो पहले बहुत बड़ा शोर था, लेकिन अब उसी GST से व्यापारी लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि उनका टेंशन खत्म हो गया। तो हो सकते हैं कुछ ऐसे और कार्यक्रम होंगे जो मोदी सरकार ने कर रखे हैं, लेकिन वो जमीन के अंदर हैं, जब वो बीज फूटेंगे, जब वो फसल आएगी, उस वक्त हो सकता है कि फिर 5 साल आने वाले 5 साल में फिर जनता को ये लगने लग जाए कि नहीं नहीं सरकार ने काम काज तो किया था, अब फसल अब आ रही है, तो फिर विपक्ष के लिए बहुत बड़ी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि उनका अस्तित्व ही खत्म हो सकता है। ये लड़ाई अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। मैं ये नहीं कहता कि मोदी सरकार ने कहीं गलती नहीं की, मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी या उसकी सरकार के सभी लोग साफ धुले हुए हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता। हर जगह अच्छे और बुरे लोग हैं, हर पार्टी में अच्छे लोग हैं, कहीं कम हैं कहीं अधिक हैं, क्योंकि हर पार्टी की अपनी वैचारिक, अपनी नीतिगत, अपनी परंपराएं हैं, अपने कुछ सिद्धांत हैं, कुछ लोग सिद्धांतों से हटकर चलते हैं, तो वो जो जज्बा होता है वो हिंदुस्तान की राजनीति में कुछ लोगों में दिखता है, और जो जहाँ पर मोदी का अंदाज है वहाँ पर मोदी को शिकस्त देने के लिए उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, सब लोग इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मोदी नहीं आना चाहिए, बीजेपी नहीं आनी चाहिए, ये तो बिल्कुल हकीकत है, या आप और हम कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। अच्छा, ये एक शिकायत रही है 4 साल में भाजपा के प्रति लोगों की, खास करके संपदा में। आपको रोक रहा हूँ, इसलिए रोक रहा हूँ कि हमारे फेसबुक में से कुछ लोग जुड़ रहे हैं। अनंत बागरेचा जी जुड़े हैं, शुक्रिया। अंशुमान भारती जी भी जुड़े हैं, ओहो कहीं लोग जुड़ रहे हैं। हाँ, आप अपनी बात को कहिए। ये जो 4 साल 5 साल जो भी भाजपा की जितने दिन की सरकार रही है, तो इसमें लोगों का ये कहना है कि युवाओं के लिए कुछ खास नहीं हुआ है, और ये जो हाल ही में 5 राज्यों का चुनाव हुआ था उसका जो नतीजा था, कहीं ना कहीं जो बड़े कास्ट के लोग हैं उनको दिक्कत हुई थी, उनकी एक नाराजगी थी जिसकी वजह से ये सवर्ण का बिल आया है, लेकिन क्या लगता है सवर्ण का जो आरक्षण बिल है इससे कुछ खास फायदा होगा? बिल्कुल होगा कि मैं बात इसके खिलाफ तो अर्जी भी गई है, बहुत नहीं, इसके खिलाफ सिर्फ 1-2 दल गए हैं। हाँ। बाकी सभी दलों ने सहमति दी है, और सहमति मन से दी है, दिल से दी है, या ऊपर से दी है, बात बहुत हो रही है। संशोधन हो सकता है, देखिए उसमें अपने सुझाव आ सकते हैं, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेणु त्यागी जी देख रही है, शुभ संध्या। मैं ये कह रहा हूँ कि सवर्ण आरक्षण का जो बिल आया है उससे जो सवर्ण समुदाय के या जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके जख्मों को कहीं ना कहीं मरहम तो लगा है, क्योंकि राजस्थान के चुनाव के वक्त मैंने करीब 60 गांवों को कवर किया था, और उसमें एक आवाज़ ही आ रही थी जिसमें ऊंची जाति, ब्राह्मण जाति के जो लोग थे उनकी ये आवाज़ थी कि हमारी जो योग्यता है वो आरक्षण पर आकर के अटक जाती है। तो क्या आरक्षण जरूरी था? आरक्षण को क्या पूरी तरह से खत्म करके योग्यता के अनुसार अगर लोगों को उसका पद मिले तो क्या ये सही नहीं रहता? बिल्कुल सही रहता, लेकिन चूंकि हमारे देश की सियासत में लोगों ने काम करने की आदत नहीं रखी है, ये लोग आरक्षण का कटोरा दे करके वोटों का जखीरा लेकर के चले जाते हैं, और लोगों को ये जातिगत वोटों का एक जो जखीरा है वो हमारे राजनीतिक दलों ने इस्तेमाल कर लिया है। आरक्षण आज़ादी के बाद से कुछ वर्षों के लिए था, ये तब था जब जो हमारी जिनको नीची जाति के कहा जाता है, मैं तो चलिए जातिगत भेदभाव को नहीं मानता, लेकिन जिन्हें कहा जाता है उस वक्त उनकी स्थिति बड़ी खराब थी, तो उस वक्त जो निर्णय किया गया था मैं ये बोल रहा हूँ, उस वक्त जो निर्णय किया गया था वो निर्णय किसी मामले में सही था, सही था, 100% पर
सही था, पर अभी की जो स्थिति है, पर अब दुखद स्थिति यह है कि जैसे आपको आरक्षण मिला, आप ऊंचे पद पर चले गए, लेकिन अब भी आपके ही परिवार को आरक्षण फिर मिल रहा है, आप ही के संतान को मिल रहा है, आप ही के परिवार को मिल रहा है, ये दुखद है। दूसरे लोगों को मिले, जो दूसरे कमजोर लोग हैं, अगर उनको मिले, जिन्हें जरूरत है, मिलनी चाहिए, या फिर योग्यता के अनुसार लोगों को पद मिले। आरक्षण एक्चुअल में अगर सही रूप से कहा जाए तो जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जहाँ पर नीति बनाई जाती है, जहाँ पर नीति को व्यवस्था के रूप में अंजाम दिया जाता है, वहाँ पर योग्य लोगों की आवश्यकता होती है। डॉक्टर्स योग्य होने चाहिए, वहाँ पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। इंजीनियर्स योग्य होने चाहिए, क्योंकि अगर गलत कम पढ़े लिखे इंजीनियर्स आएंगे तो फिर पुल टूटेंगे, फिर सड़कें फूटेंगी, फिर एक्सीडेंट होंगे। इसी तरह डॉक्टर्स वो होने चाहिए। हम ये कहते हैं कि आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है, जो मोदी सरकार ने जो ये समन के लिए लेके आई है, ये एक तरह से एंट्री कर दी है इस सरकार ने, और अगर मोदी सरकार फिर आती है तो मुझे लगता है कि इस आरक्षण व्यवस्था पर आमूलचूल परिवर्तन होंगे जो देश के लिए अच्छे होंगे। अच्छा, अभी हमने कांग्रेस की बात की और भी पार्टियों की बात की, सपा बसपा की भी बात की, बंगाल में जो है टीएमसी, क्योंकि भाजपा को आने में भी रुकावट डाल रही है, तो इस पर आप क्या कहें? देखिए, क्या ये सही लगता है एक बड़े पद में बैठी जो है, और उसके एक्सक्यूज भी उनके पास रहते हैं पहले से? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास सत्ता है, आपके पास प्रशासनिक शक्ति है, आप किसी नेता को आने में जाने में, उसकी रैली होने में आप बाधा डाल सकते हो, क्योंकि आपका आपका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी अपनी सरकार है। लेकिन कैंडिडेट खड़े होते हैं तब उसको जीतने से रोकने में आप नहीं रोक सकते, क्योंकि वो आम जनता है, वहाँ पर जनता का अधिकार बनता है। हाँ, अगर आप वोटिंग में इफेक्ट कर दो तो एक अलग बात है। अच्छा, ईवीएम का जो मुद्दा बार बार आता है, तो क्या लगता है ईवीएम में सच में गड़बड़ी रहती है? देखिए, चुनाव आयोग ने बार बार खुलासा किया, चुनाव आयोग ने चुनौती दी है, और ये ईवीएम की बात, अगर हम हारे तो ईवीएम गलत, तुम जीते तो ईवीएम गलत, हम जीते तो ईवीएम सही, ये कैसे हो सकता है? अगर ईवीएम गलत होती तो फिर भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं हारती, उसे राजस्थान में नहीं हारना था, उसे छत्तीसगढ़ में बुरी तरह से नहीं हारना था, कम से कम इतनी तो हैकिंग करती, बुरी तरह से नहीं करनी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जो हार है वो वाकई में हार है, वो वाकई में हार है, चाहे उसके कारण कुछ भी रहे हो, हार तो हार है। मध्य प्रदेश में हार हार नहीं है, राजस्थान में हार उतनी हार नहीं है, हालांकि मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह ने बड़ी कड़ी टक्कर दी है, बिल्कुल मानना पड़ेगा। लेकिन ईवीएम की जहां तक बात है तो फिर भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नहीं हारती, फिर तो सब जगह जीतती। इसलिए ये जो दावे हैं, या तो इनको प्रूफ किया जाए, और चुनाव आयोग बार बार ये कहता है कि हम सुझाव स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, ये टेक्नोलॉजी का मामला है, टेक्नोलॉजी में सुधार अपग्रेडेशन हमेशा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये कहो ईवीएम खराब है, बीजेपी जीत गई इसलिए ईवीएम खराब है, तो ये गलत है। फिर कांग्रेस जहाँ राजस्थान में जीती, छत्तीसगढ़ में जीती, मध्य प्रदेश में जीती, वहाँ फिर कहना चाहिए ईवीएम खराब है, ये भारतीय जनता पार्टी तो नहीं हारती वहाँ पर, हम जीते हैं तो ईवीएम खराब है, ये क्यों नहीं कहा जाता? तो ये जो दोगलापन है, ये जो दूतरफा व्यवहार है, वो चाहे कोई करे वो स्वीकार्य नहीं है। और हमारा जो चुनाव आयोग है, जो एक संवैधानिक व्यवस्था है, वो जब बार बार चुनौती दे रहा है, वो जब बार बार तकनीक आपके पास जब खराब है तो आप लाओ ना अपने तकनीशियन को, आप प्रूफ करो उस चीज़ को कि ईवीएम खराब है, आप वो कर नहीं पाते, सिर्फ आरोप अगर लगाना है तो मेरा ये कहना है कि संवैधानिक व्यवस्था पर इस तरह से आरोप नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि उससे हमारी जो व्यवस्था है वो खराब होती है और उसका नुकसान हमको ही होता है। चुनाव से पहले और भी पार्टियों की क्या क्या लगता है, क्या क्या? देखिए, रेणु त्यागी जी ने यहाँ पे कमेंट दिया है, आरक्षण का नाम ही गलत है, ठीक है पढ़ाई में, चिकित्सा में आर्थिक रूप से मदद करें, मुझे समझ ही नहीं आया कि मीडिया इसे सही क्यों बता रही है, घुमा फिरा कर वही बातें समझ नहीं आती। रेणु जी, आप हम आरक्षण को सही नहीं बता रहे हैं, हमने वही बात कही है जो आप कहना चाहते हैं,
हम ये कह रहे हैं कि आरक्षण कम से कम उन पदों पर जहां नीति की बात हो, जहां व्यवस्था की बात हो, जहां डॉक्टरी की बात हो, जहां इंजीनियरिंग की बात हो, वहां तो आरक्षण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, जो ऐसे पद हो जहां पर कोई खामियाजा नहीं हो, वहां पर अगर हमारे आर्थिक रूप से या हमारे जातिगत रूप से हमारे जो कमजोर भाई हैं उनको अगर वहाँ सुविधा मिलती है तो उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। जय कुमार रुसवा जी जुड़े हैं, ब्रजेश कुमार जी जुड़े हैं, पूरी से हमारे सूर्य प्रसाद सारंगी जी जुड़े हैं। हाँ, संपादक बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल रहे आपका? नहीं, सवाल एक ये है कि जब चुनाव से पहले और भी पार्टियों के इतने सारे गुण नहीं देखने को मिलते थे, अभी बहुत पब्लिक के प्रति भी, अब कल राहुल गांधी ने एक जो कहा था, आपने शायद उस न्यूज़ को पढ़ा कि नहीं पढ़ा पता नहीं, कि जो न्यूनतम आय वाले लोग हैं उनके लिए हम जरूर सोचेंगे और उनको जो आय संबंधी जो उनकी परेशानियां हैं उसको खत्म करेंगे। तो क्या लगता है? संपदा, ऐसा होता है कि जब शादियां होती है ना, कुड़ियां तब मिलाई जाती है जी, तो अब इनकी शादियां होनी है, चुनाव आ रहा है जी, इसलिए कुंडली मिला रहे हैं, इसलिए नए नए तरीके की बातें सामने आ रही है। और ये जो न्यूनतम आय वाली बात है, ये तो बीजेपी के अपने उसमें भी है। हाँ, बीजेपी ने इसे फ्रंट फुट पे वो क्यों नहीं लेके आई, उसने उसका प्रचार क्यों नहीं किया, उसने इस पर काम क्यों नहीं किया? कांग्रेस इसे पतली गली से निकाल के ले गई, ये कांग्रेस की राजनीतिक सूझबूझ हो सकती है, मैं उसमें नहीं कहता, लेकिन ये तमाम बातें अब जब चुनाव का मौसम है, जब 2-3 महीने के बाद चुनाव होने हैं, जब मैच एकदम हो गया कि अब 6 गेंद का मैच रहा है, तब सभी पार्टियां कुंडलियां मिलान कर रही है क्योंकि इनको शादियां करनी है सत्ता के साथ। अच्छा, एक बात और, कांग्रेस मतलब भाजपा की जो विपक्षी पार्टी है वो कह रहे हैं कि एक अब बजट पेश होने वाला है और इस बार का बजट बहुत बेहतर होगा, और ये चीज पीएम मोदी ने भी कहा है कि इस बार बजट में आपको बहुत खास मिलेगा, अरुण जेटली जी भी ने कहा, लेकिन विपक्षी इसको कह रहा है कि लॉलीपॉप दिया जाएगा फिर से। बिल्कुल, देखिए विपक्षी भी सही कह रहे हैं क्योंकि लॉलीपॉप तो दिया ही जाएगा चुनाव की वजह से, बिल्कुल दिया, दिया जाएगा। विपक्ष का ये आरोप है, इसको भी हम गलत नहीं मानते क्योंकि चुनाव के समय सब कुछ सब लोग करते हैं, तो बीजेपी भी अपनी तरफ से कोर कसर नहीं छोड़ेगी क्योंकि उनको लगता है कि मौसम कुछ जटिल है, सुहानी हवाएं नहीं है, कुछ बर्फीली हवाएं भी हैं, कुछ तूफानी मौसम भी है, तो इसलिए बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि सावन का सा मौसम बनाया जाए, सावन की सी फुहारें दिखाई जाए, गांव का पनघट भी हो, गोरी की पाजेब भी हो और पिया की बात भी हो, कुछ गीतों की झनकार भी हो, तो बीजेपी पूरी ये कोशिश करेगी और चुनावी मौसम में हर कोई करेगा। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बीजेपी को नहीं करनी चाहिए, ये भी उनका अपना अधिकार है और विपक्ष को आरोप लगाने का अधिकार है, तो दोनों आरोप ना लगाए, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। लेकिन सही बात यह है कि जो जनता है इस देश की, उसको सब कुछ सोच विचार करके और जाति मजहब से ऊपर उठ करके जी। और सबसे बड़ी बात, पार्टी की निष्ठा को भी छोड़ करके कि आपकी कांग्रेस के प्रति निष्ठा है या आपकी भाजपा के प्रति निष्ठा है, उस निष्ठा को भी एक बार आप अलग रख दीजिए। जब आप मत देने के वक्त जाओ तो आप इतने निष्पक्ष बनकर जाओ, आप जज की कुर्सी पर बैठ करके जाओ कि किसने गलत किया, किसने सही किया, देश के लिए कौन सही है, कौन गलत है। ये तो जनता समझदार है बखूबी, नहीं जनता समझती है और चुनाव के वक्त नहीं, जनता समझदार है बेशक, मैं ये कहूँगा क्योंकि मैं फिर कहूँगा कि राजस्थान के उस चुनाव में जो ग्रामीण क्षेत्र का मैंने भ्रमण किया था और मुझे गर्व हुआ था कि मेरे ग्राम की जनता, हमारे गाँव की जनता, महिलाएं, पुरुष, युवा, चौपालों में बैठते हुए जो बुजुर्ग हैं, जो ताश के पत्ते खेलते हैं, ताश के पत्ते फेंकते हुए वो सरकार बनाते हैं और ऐसे सवाल करते हैं हमसे पलट करके कि हम ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि जहाँ हम गांव समझते हैं वहाँ गांव के लोग कितनी परिपक्व सोच रखते हैं। हाँ, राजनीति की समझ बिल्कुल, ये बिल्कुल हमें गर्व होता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं गाँव में मैंने भ्रमण किया था, उस वक्त लोगों ने कहा था कि ये प्रदेश का चुनाव है और प्रदेश के चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में वोट देंगे। लेकिन जब मैंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो उन्हीं वोटर्स ने मुझे कहा कि इस वक्त हम बीजेपी के विपक्ष में देंगे, लेकिन वो देश का सवाल होगा और देश का सवाल होगा तब हम मोदी को वोट देंगे। तो ये एक बड़ी बात थी।
कि वही वोटर वही है लेकिन उसके मुद्दे अलग हैं। प्रदेश के लिए वो अलग सोचता है, देश की जब बात आती है तो उसका पूरा विजन चेंज हो जाता है। जो बीजेपी से हटकर बोलता है वो बीजेपी के पक्ष में बोलता है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गांव का वोटर बहुत बड़ी बात है पार्टी के लिए, भाजपा के लिए ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है, हो सकता है 2019 का चुनाव का। नहीं, ये बात मैं बहुत स्पष्ट कह दूं कि हम ये सोचते हैं कि बीजेपी राजस्थान को लूज की, छत्तीसगढ़ को लूज की, एमपी को लूज की, इसलिए यहाँ पर लोकसभा में भी वो लूज करेगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वहाँ के वोटर जो बोल रहे हैं वो वहाँ पर लूज की वो प्रदेश की बात थी, वो वसुंधरा राजे के प्रति वोटर की नाराजगी थी। वोटर मोदी से नाराज नहीं है, युवा मोदी से नाराज नहीं है, महिलाएं मोदी से नाराज नहीं है, वो बोलती है कि 19 में हम मोदी को वोट देंगे। तो वहाँ पर जो प्रदेश में कुछ भी हुआ हो लेकिन जो देश का चुनाव है 19 में, वहाँ पर राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुत ज्यादा लूज नहीं करेगी। हाँ, कुछ सीटें जरूर जाएगी क्योंकि जहां पर अब कांग्रेस की सरकार है तो कुछ तो उनको लाभ मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान वहां पर बीजेपी का नहीं होगा। वहां पर बीजेपी फिर भी बहुत अच्छी अपनी परफॉर्मेंस करेगी। अभी तक फर्स्ट न्यूज के संपादक हमारे संजय सनम जी थे हमारे साथ, लेकिन संजय जी जाते जाते चुनाव, आप बहुत अच्छे कवि हैं और अब की कविताएं हम सारे दिन पूरे दिन फेसबुक सोशल साइट्स पे देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो सर एक 19 के चुनाव को लेकर एक दो लाइन आपको कविता कहिए तो उसे खत्म करें। नहीं देखिए, उसमें बात जो अभी सरगर्मी चल रही है इस पर दो लाइन आप। नहीं, उस पर दो लाइन तो वैसे तो मेरी बनाई हुई नहीं है, लेकिन जब आपने ये कह दिया है तो वो तो तुरंत ही अपनी बात जाएगी कि सियासत की जमीन पर सब अपनी चाल चल रहे हैं, वो इस भुलावे में है कि जनता को कटोरा हम पकड़ा रहे हैं, पर जनता मेरे देश की बरखुरदार है, समझदार है, वो जब जाती है सबको सुनती है, पर वो देती वही है जो उसको देना होता है। तो ये वोट बैंक में जो बात है कि लोग अपनी बात कहेंगे, हम जाने से पहले हमारे जो व्यूवर्स हमसे कुछ कमेंट बॉक्स में अपनी बात कह के गए हैं, हम मुझे लगता है कि उनको जवाब देना चाहिए। सूर्य प्रसाद ने, अच्छा ये किसने लिखा है, राजेश बांटिया वाचिंग, दिव्या जैन वाचिंग, यश जैन वाचिंग, डॉक्टर दमयंती शर्मा वाचिंग, रेणु त्यागी ने कहा है आपको सीढ़ी दे दी तो क्या अब ऊपर तक हुआ। रेणु जी, मैं आपका गुस्सा जायज समझता हूँ, आपकी बात सही है कि आरक्षण एक बार आपको सहारा दे दिया, ठीक है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि देश का कोई भी कमज़ोर हो उसे सहारा दे, लेकिन उसके बाद वो अपनी योग्यता से आगे बढ़े ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मैं आपसे एक बात यही कहूँगा, फिर कहूँगा कि इस देश का जो राजनीतिक माहौल है वो यही है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर लोगों को बांट करके, लोगों का वोट लेकर के ये लोग सियासत करते आए हैं। इसलिए इस रूपक को चेंज करने में समय लगेगा, लेकिन इस देश का युवा जग रहा है और आप जैसी महिलाएं जगी हुई हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल में आरक्षण की बात बड़ी नहीं होगी। आरक्षण सिर्फ संरक्षण होना चाहिए कमजोर तबके को समृद्ध करने का, संकल्पित करने का, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आरक्षण सियासत की कुर्सी तक ले जाने की सीढ़ी बना हुआ है, उस सीढ़ी को हटाना होगा, देश को बचाना होगा। जी संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। व्यूअर्स, धन्यवाद आपका, हम जब बोलते हैं आप सुनते हैं, आप जब सुनते हैं तभी हम बोलते हैं और तभी हमारे बोलने की कीमत होती है। एक बार फिर जितने लोग हमसे जुड़े उन सबका आभार, संपदा मेरी सहयोगी मेरे साथ, संपदा की तरफ से भी आप सबका आभार ज्ञापित कर रहा हूँ। जब जब भी हम देश पर, और चूँकि चुनावी मौसम है, परिचर्चाओं का दौर चलता रहेगा, आज ही मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो दिया है, आप वहाँ तक जाइएगा, डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ हमने दिया है कि प्रियंका मोदी को बचाएगी, और ये टाइटल आपको निश्चित रूप से थोड़ा सा चौंकाने वाला होगा, लेकिन बात पते की है, सुनेंगे समझेंगे
तो पॉलिटिकल रीजन भी आपको समझ में आएंगे कि प्रियंका मोदी के लिए वरदान बन रही है, क्यों कैसे, इसके लिए आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए, इसलिए कि ये जो वर्किंग हावर्स होते हैं उसमें आप लोग जब समय निकालते हैं तो ये आपसे हमारा एक स्पेशल नाता होता है, एक प्यार होता है, उस प्यार के लिए हृदय से शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।